तो आईपीएल हिस्ट्री में एक ऐसी भी टीम है जो आज तक कभी आईपीएल तो नहीं जीती, लेकिन उसके बावजूद भी साल दर साल उसकी फैन फॉलोइंग में इजाफा ही होता रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उर्फ आरसीबी की। हाँ, ये सच है कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग में कोई घटोतरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां है विराट कोहली, लेकिन इस फैन फॉलोइंग के पीछे का रीजन सिर्फ विराट कोहली नहीं है। इसकी फैन फॉलोइंग का रीजन विराट कोहली के साथ साथ इस टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है डी विलियर्स का, या उसके अलावा नाम आता है मैक्सवेल का, या दिनेश कार्तिक का, या शेन वॉटसन का, या क्रिस गेल का, या केएल राहुल का। और जैसा मैंने कहा कि साल दर साल आरसीबी के लिए खेलने वाले यही प्लेयर्स वो रीजन है कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग कभी भी घटी नहीं बल्कि बढ़ती ही रही, जबकि आरसीबी आज तक आईपीएल का एक टाइटल तक नहीं जीत पाई। लेकिन आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आरसीबी के बारे में आपको ऐसी 10 बातें बताने वाला हूं जिसे सुनके आप चौंक जाएंगे। बात नंबर 1, देखो वैसे तो हम आरसीबी को आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल टीमों में से एक मानते हैं, लेकिन क्या यह बात पूरे तरीके से सच है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आरसीबी आईपीएल में अब तक 3-3 बार फाइनल में क्वालिफाई हुई है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक बार भी फाइनल को जीतने में कामयाब नहीं रही है। पहले 2009 में आरसीबी डेक्कन चार्जर से फाइनल में हारी, उसके बाद 2011 में जब वापस से आरसीबी फाइनल में पहुंची तो वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स ने उसको हरा के टाइटल अपने नाम कर लिया। और ऐसा ही कुछ 2016 में हुआ, जिस आईपीएल में विराट कोहली ने एक अलग ही लेवल का आतंक मचा के रखा था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उस आईपीएल में भी सनराइजर्स हैदराबाद ने उसको फाइनल में देके टाइटल अपने नाम कर लिया। बात नंबर 2, अब ये आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो आरसीबी का असल नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वो असल में रखा गया है विजय माल्या की जो लिक्वर ब्रांड है रॉयल चैलेंज, उसके नाम पे। बात नंबर 3, ये बात सुनके तो आप सच में चौंक जाएंगे, क्योंकि आरसीबी सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की भी ऐसी सबसे पहली टीम है जिसने अपने बेंगलोर के स्टेडियम में फ्री में सारी ही जनता को वाईफाई दिया था। और आज भी आईपीएल के दौरान जितने भी मैच बेंगलोर में खेले जाते हैं तो उन सारे ही मैचेस में सारी ही जनता के लिए जो वाईफाई होता है वो पूरे तरीके से फ्री होता है। क्यों, चौंक गए ना? पर अभी तो ये सिर्फ 3 ही बातें मैंने आपको बताई हैं, अभी तो ऐसी 7 और बातें हैं जिसे सुन के मैं यही कहूंगा कि आप जहां बैठे हैं वहीं पे खड़े हो जाएंगे। पर वो देखने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन खेला जाने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच, और प्रोबो में क्वेश्चन लाइव हो चुका है कि क्या इंडिया श्रीलंका से ये पहला T20 मैच जीतेगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल जीतेगी, इसीलिए मैंने यहां पे यस चूज कर दिया है। और जैसे ही इंडिया श्रीलंका के खिलाफ ये मैच जीतती है, मैं जीत जाऊंगा ढेर सारे पैसे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि प्रोबो एक प्रेडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बस यस या नो में आंसर देना होता है, और अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो जैसा मैंने कहा जीत जाते हैं काफी पैसे। भाई भरोसा नहीं आ रहा है तो ये सुनो कि इस समय प्रोबो पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रोबो को चेकआउट करो, क्योंकि जैसी आप मेरे दिए हुए लिंक से प्रोबो को चेकआउट करेंगे तो आपको इंस्टेंटली ₹25 मिल जाएंगे, जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। बाकी विड्रॉल तो प्रोबो पे भाई बहुत ही आसान है, आप चाहे पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, जिससे आपको विड्रॉ करना है आप उससे कर सकते हो, कोई झंझटी नहीं। तो अभी जाओ, और आपको क्या लगता है कि क्या श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ये मैच जीतेगी? बस यस या नो फिल कर दो, बस खत्म। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे, तो अब आती है बात नंबर 4। तो ये जो फैक्ट है वो बहुत ही कमाल का है कि आज तक आईपीएल के जितने भी सीजन हुए हैं, अगर हम उन सारे ही सीजन में सारे ही टीमों द्वारा जितने पैसे प्लेयरों के ऊपर खर्च करे गए हैं उनको अगर हम जोड़ेंगे तो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अमाउंट जिस टीम ने अब तक खर्च करा है वो है आरसीबी। क्योंकि ये तो आपको भी पता होगा कि भले ही आरसीबी आज तक कोई आईपीएल का सीजन नहीं जीती है, लेकिन स्टिल वो सीजन दर सीजन बहुत महंगे प्लेयरों को खरीदने के लिए जानी जाती रही है। टाइमन मिल्स से लेके युवराज सिंह से लेके शेन वॉटसन से लेके डी विलियर्स से लेके विराट कोहली से लेके केएल राहुल तक बहुत बार उन्होंने बड़ी बड़ी बोलियां लगाई हैं। अगर मैं आपको इसी लिस्ट की टॉप 8 टीम्स बताऊं तो सबसे ऊपर जैसा कि मैंने कहा आरसीबी आती है, दूसरे नंबर पे
मुंबई इंडियंस आती है, तीसरे नंबर पे केकेआर आती है, चौथे नंबर पे दिल्ली आती है, पांचवें नंबर पे पंजाब आती है, छठे नंबर पे सीएसके आती है, सातवें नंबर पे एसआरएच आती है, और लास्ट में जिसने अब तक सबसे टोटल कम पैसा खर्च किया है वो है राजस्थान रॉयल्स। बात नंबर 5। अब ये जो बात है, अगर आप आरसीबी फैन हैं या फिर मैं ये भी कहूं कि अगर आप आईपीएल फैन हैं तो ये बात तो आपको 100% मालूम ही होगी कि आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर जिस टीम ने बनाया है वो भी आरसीबी ही है, जिसने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। बात नंबर 6। अब ये जो बात है, मैं उसकी आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से किसी को भी ये नहीं पता होगा कि आईपीएल के पहले सीजन 2008 में आरसीबी ने अपने 14 के 14 मैचों में 14 अलग अलग टीम उतारी थी। मतलब सारे प्लेयर्स अलग नहीं होते थे ऑब्वियसली, लेकिन जो प्लेइंग 11 होती थी वो 14 अलग अलग कॉम्बिनेशन आरसीबी ने मैदान में उतारे थे। अब ये बात तुम्हें मालूम थी कि नहीं मालूम थी, कमेंट में भाई जरूर बताना। बात नंबर 7। अब जहां मैंने आपको बताया कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का जो रिकॉर्ड है वो आरसीबी के नाम है, तो इसी का रिवर्स सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी आरसीबी के ही नाम है, जिन्होंने केकेआर के अगेंस्ट 49 का ही स्कोर बनाया था और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। बात नंबर 8। अब ये जो बात है, मैं जानता हूं कि आप सभी को पता होगी, लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात कहने में ही एक अलग ही प्राउड फीलिंग आती है कि आरसीबी के ही प्लेयर और आरसीबी के ही एक्स कैप्टन विराट कोहली के नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा रन मारने का रिकॉर्ड है, जो की है 931 रन। बात नंबर 9। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि भले ही आरसीबी आज तक कोई भी आईपीएल का सीजन नहीं जीती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सीजन दर सीजन बढ़ती रही है। तो इसी को लेके हमारी बात नंबर 9 आती है, जो कि ये है कि 2018 में जब आईपीएल पोल्स कंडक्ट कराए गए थे तो आरसीबी को फेवरेट टीम होने के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले थे। बाकी लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूं कि अब तक सारे सीजन में जितनी भी बार ये आईपीएल पोल कंडक्ट कराए गए हैं कि किसकी कौन सी फेवरेट टीम है, तो सबसे ज्यादा बार जिस टीम को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो है एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, और दूसरे नंबर पे जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो है मुंबई इंडियंस, और तीसरे नंबर पे आती है आरसीबी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 2018 में सबसे ज्यादा लोगों की आरसीबी फेवरेट थी। बात नंबर 10। तो अगर आपको याद हो कि करंट जो आरसीबी की जर्सी है वो रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन से बनी है, लेकिन वहीं पे जो आरसीबी की पुरानी जर्सी थी, जो कि शुरुआती सीजन से धीरे धीरे बदलती भी रही थी, लेकिन उसका जो कलर कॉम्बिनेशन रहता था वो रेड और गोल्डन का रहता था। ये जो रेड और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन था ना, ये असल में विजय माल्या के रॉयल चैलेंज लिक्वर को रिप्रेजेंट करता था। इसी के साथ साथ ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये कन्नड़ के अनऑफिशियल फ्लैग यानी कि कर्नाटका के अनऑफिशियल फ्लैग को भी रिप्रेजेंट करता था। खैर, अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग बताएं कि क्या आपको ये सारी ही बातें आरसीबी के बारे में मालूम थी? अगर हां तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी आईपीएल में सबसे फेवरेट टीम कौन है, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रोवो ऐप को बिल्कुल भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन इस समय लाइव हो रखा है कि क्या इंडिया श्रीलंका से जीतेगी, और अगर आपको लगता है जीतेगी तो यस कर दीजिएगा, और जैसी इंडिया जीतेगी आप जीत जाएंगे ढेर सारे पैसे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही आप मेरे लिंक से जाएंगे 25 रुपीज तो आपको इंस्टेंटली मिल जाने वाले हैं, तो उससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।